Assalamualaikum and welcome to Pook Presents Good Food Guide Season 2. I'm Shipra Khanna and we are at Hyatt Place in Dubai. और आज का हमारा gastronomical stop है Philippines. नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज वहाँ की हम बहुत ही famous recipe बनाने जा रहे हैं. और recipe का नाम है Chicken Adobo. तो चलिए देखते हैं Chicken Adobo कैसे बनाया जाता है. Chicken Adobo. Ingredients: 800 grams chicken, 1 large onion sliced, 2 tablespoons minced garlic, 1/3 cup white vinegar, 2/3 cup soya sauce, 1 tablespoon garlic powder, 1 tablespoon black pepper, 1 to 2 bay leaves, 2 tablespoons vegetable oil. सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे और उसके अंदर डालेंगे लूपाक कुकिंग लिक्विड. जब तेल गरम हो जाए तब हम इसके अंदर चिकन को फ्राई करेंगे. एक्चुअली ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये फिलीपींस में बहुत ही ज्यादा फेमस है. इट्स डिलीशियस एंड कैन बी ईटन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अब आप देख सकते हैं कि तेल गरम हो चुका है. हमें चिकन के पीसेस को फ्राई करना है. हम चिकन को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही डीप ब्राउन आ जाए. दिस विल नॉट टेक वेरी मच टाइम. इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप इसका एक डाइट वर्जन भी बना सकते हैं. यू कैन स्किप दिस स्टेप और आप चिकन को बॉईल करके इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं. जब तक चिकन ब्राउन हो रहा है मैं अनियंस को स्लाइस कर लेती हूँ. आप देख सकते हैं कि चिकन एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है. इस स्टेज पर हम चिकन को एक बोल में निकाल देंगे. ऑयल थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देंगे. वी डोंट नीड सो मच ऑफ ऑयल. अब इसी पैन में जिसके अंदर सारे फ्लेवर्स हैं चिकन के, हम थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे. साथ ही में अपने स्लाइस्ड अनियंस. इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये हल्के सॉटे भी हो जाएं और कैरमलाइज भी.
अब आप देख सकते हैं कि अनियंस का कलर लाइट गोल्डन हो रहा है, दैट मीन्स दे आर कैरमलाइजिंग। जब भी हम किसी भी डिश में अनियंस डालते हैं वो एक हल्की सी मिठास देते हैं उस डिश को। अनियंस हमारे लाइटली सॉटे हो चुके हैं, थोड़े से कैरमलाइज भी हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ब्लैक पेपर, have some salt, bay leaves, quick stir, और ये है सोया सॉस। और साथ ही में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना फ्राइड चिकन। अब हम इसे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। क्विक स्टर, चिकन हमारा काफी हद तक पक चुका है जब हमने उसे फ्राई किया था। इस स्टेज पर आप इसको ढककर भी पका सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू कुक इट विदाउट द लिड तब आप इसको थोड़ी ज्यादा देर पका लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि चिकन पक चुका है, इट्स टेंडर एंड इट्स डन। तो चलिए इसको प्लेट करते हैं। हम पहले चिकन के पीसेस को इसमें डालेंगे। इसके बाद इसकी जो सॉस है वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। डिलिशियस खाना बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे अच्छे से प्रेजेंट करना। तो ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा फिलीपींस से आया हुआ चिकन अडोबो। आप चाहें तो इसको राइस के साथ या स्टीम राइस या बॉयल राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। कुक टिप ऑफ द डे इज दैट आइडियल टाइम टू मैरिनेट अ फिश इज 4 to 5 मिनट्स। इफ यू ओवर मैरिनेट इट, इट्स गोइंग टू ब्रेक व्हाइल यू कुकिंग इट। आई होप आपको हमारा चिकन अडोबो जो फिलीपींस से आया है वो पसंद आया होगा। मैं आऊंगी ब्रेक के बाद एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर। वेलकम बैक टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। चिकन अडोबो के बाद मैं एक और बहुत ही बढ़िया फिलिपिनो डिश बनाने जा रही हूँ जो कि एक डिजर्ट है और इसका नाम है बनाना पुडिंग विद कैरमल सॉस। Banana pudding. Ingredients: 2 slices of bread, you can use white or brown, 2 bananas mashed, 3 tablespoons brown sugar, 1 tablespoon butter. For the caramel, 1 cup sugar, 1 cup cream and 1/2 cup milk.
तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसके अंदर मैं बनाना को मैश करूंगी। इस रेसिपी के लिए हमें राइप बनाना चाहिए क्योंकि हम उसे मैश करेंगे कुछ इस तरह। इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। एक और बनाना डालेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि केले जो होते हैं वो पड़े पड़े काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। इस रेसिपी के लिए वैसे केले एकदम परफेक्ट हैं। बनानास को अच्छे से मैश कर लीजिए। यहाँ पे है मेरे पास ब्राउन ब्रेड। आप चाहें तो नॉर्मल व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी के अंदर भी एक बार चर्न कर सकते हैं सो दैट इट्स रियली रियली फाइन। बट अगर ब्रेड आपके पास है तो आप हाथ से भी उसे क्रम्बल कर सकते हैं इस तरह से। इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूं लोरपाक बटर 1 टेबलस्पून। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। यहाँ पे मेरे पास डेमेरेरा शुगर है यानी कि ब्राउन शुगर है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से कंबाइन करेंगे। इसे हमें तब तक कंबाइन करना है जब तक कि ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो जाता और जो ब्रेड है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, यानी कि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो कंबाइन हो जाने चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं और या फिर इसके अंदर सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं इस स्टेज पर। इट इज अ वेरी वेरी क्विक रेसिपी और जब आपके घर में गेस्ट आ जाए एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू इंस्टेंटली दिस इज द सॉल्यूशन। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास रैमेकिन्स हैं, इसको मैं हल्का सा बटर से ग्रीस करूंगी। बाकी जो ये पुडिंग है ये आसानी से निकल आए और अब हम इसे इस मिक्सचर के साथ फिल कर देंगे। प्रेसिंग जेंटली ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो ये एक इवन पुडिंग की तरह निकले। दैट शुड बी नाउ। इसे हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, लीव अ लिटिल स्पेस बिकॉज ये बनने के बाद थोड़ा सा फूलेगा। दैट्स अबाउट इट। अब ये अवन में मैं डाल रही हूं 15 से 20 मिनट तक के लिए एट 180 डिग्रीज।
तो पुडिंग हमारी अवन में जा चुकी है, अब हम तैयारी करेंगे कैरमल सॉस बनाने की। कैरमल सॉस बनाने के लिए हम पहले शुगर को कैरमलाइज करेंगे। शुगर हमेशा हाई टेम्परेचर पे कैरमलाइज होती है, क्योंकि अगर आपको शुगर से बर्नड मार्क्स लग जाएं तो वो सेकेंड डिग्री बर्न होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू वर्किंग विद शुगर। तो चलिए बनाते हैं अपना कैरमल सॉस। पैन को हम गरम करेंगे, उसके अंदर डालेंगे शुगर। याद रखिए कि हमेशा कैरमल सॉस क्रिस्टलाइज शुगर के साथ बनता है, नेवर विद कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर। इसे हम हाई टेम्परेचर पे कैरमलाइज करेंगे। कैरमलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यू कैन गो रॉन्ग विद इट एनी टाइम। सो द बेस्ट वे टू कैरमलाइज इज टू लेट द शुगर बी। जैसे आप उसको पैन में डालते हैं, उसको हिलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे खुद ब खुद कैरमलाइज होने लग जाती है। जब तक ये शुगर कैरमलाइज हो रही है, मैं जल्दी से पुक स्टोर जाके पुक कुकिंग टीम लेकर आती हूँ। And I need Puk cooking cream. अब आप देख सकते हैं कि ये शुगर मेल्ट होने लग गई है। जब भी आप कैरमल सॉस बना रहे हो तो याद रखें कि आप बेशक पैन को ऑफ फ्लेम ले जा सकते हैं, लेकिन जो कुकिंग प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता, इट स्टिल गोज ऑन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको कौन से कलर की कैरमल चाहिए, क्योंकि वो कुक होते होते डार्क भी होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बदलता जा रहा है। विल स्टर इट अ लिटिल। ये देखिए, अब ये कैरमलाइज हो चुकी है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर पुक कुकिंग क्रीम डालूंगी और इसे हम हिलाते रहेंगे। देखते ही देखते ये कैरमल सॉस तैयार हो गई। इसको मैं एक डिश में निकाल लेती हूँ। वाओ, इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड स्मेलिंग अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं हमारी पुडिंग का क्या हाल है, उसे अवन से निकाल कर लाते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कि ये पुडिंग एकदम सेट हो चुकी है। इसको हम नाइफ से इसके एंड्स को लूज कर लेंगे। और अब मैं इसको और इसके ऊपर हम पोर करेंगे ये कैरमल सॉस। और इसे हम गार्निश कर सकते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरी के साथ। इसको हम एक कट देकर, और ये लीजिए, तैयार हो गई आपकी फिलीपींस से आई हुई बनाना पुडिंग विद कैरमल सॉस। एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Filipino cuisine is a combination of three flavors, sweet, sour and salty. In fact, they combine salty cheese with sweet cake and ice creams. How's that? To win exciting prizes from Star Plus, send in your favorite recipes to marketingme@startv.com.
To watch these delicious recipes, log on to facebook.com/starplus. Follow us and like our page for latest updates. तो ये थी हमारी रेसिपीज फिलीपींस की. अगली बार मैं फिर से आऊंगी एक नई कंट्री की नई रेसिपीज लेकर. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप कुकिंग.